है कि अब धर्म विरोधियों में खलबली मचेगी। ऐसे हमारे बड़े ही लाडले, केवल एक बार दूरभाष पर बात हुई कि बेटियों के विवाह में आना है, तो आप बहुत प्रेम पूर्वक आए बिना समय गवाए हुए, क्योंकि आगे का क्रम अभी बाकी रह गया, अभी विवाह पाणी ग्रहण भी है, चूंकि पूर्ववत बता चुके थे तो समय लगेगा, इसलिए आप सबका हम स्वागत करते हो। जितने भी परिवारजन हमारे बैठे हैं, मेरे पागलों, हम सब साथ मिलकर के अगर एकजुट रहेंगे, जाति बाप का नाता तोड़कर एकजुट रहेंगे, इस भारत को विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। बोलो जय श्री राम। देखो हम हिंदू एक हुए, सनातनी एक हुए, अयोध्या में राम जी आ गए। अब राम जी आ गए, 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन किया, हम सब ने गौरव के साथ दर्शन किया। अब जिनके वंश के ठाकुर जी हैं, यदुवंश के, उन्हीं के वंश के ही मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आप आए हैं तो हम छोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ना साथ तेरा साथी मरते दम तक। हम अपने लिए तो कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन मुख्यमंत्री जी और बीडी शर्मा जी, हमारे सांसद जी के सामने हम कहेंगे, शर्मा जी के सामने, कि खजुराहो के जितने मंदिर हैं वहाँ की खंडित मूर्तियाँ बदल करके अगर पूजा प्रारंभ कर दी जाएगी तो खजुराहो वर्ल्ड टूरिस्ट प्लेस है, बागेश्वर और खजुराहो दोनों एक तीर्थ हो जाएंगे। कौन कौन ऐसा चाहता है? अच्छा, ये मांग इसलिए भी आपको पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि आगे चल करके आपका चुनाव है, और अद्भुत बात यह है कि हमारे शर्मा जी को फिर से टिकट मिली। तो अगर आप ऐसा कह भी देंगे और आगे उसको चरितार्थ कर देंगे, तो हमारे खजुराहो के मंदिरों में जब पूजा प्रारंभ हो जाएगी तो बाहर काम, अंदर राम और बगल में बागेश्वर धाम। वहां की जो बाहर की आर्ट है, कला है, वो काम को प्रदर्शित करती है, लेकिन बाहर की कला अगर काम को प्रदर्शित करती है तो मंदिर के अंदर राम को प्रदर्शित करती है। बाहर काम को छोड़कर जो अंदर राम के दर्शन करने के लिए जाएगा उसे ही आराम मिलेगा और बगल में बागेश्वर धाम मिलेगा। कौन कौन बुंदेलखंड का पागल ऐसा चाहता है? जरा हाथ उठाओ तो जोर से जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। हर है, हर है, महादेव। बताओ ऐसा चाहते हो, हाँ या ना? चाहते हो? आप चाहते कि खजुराहो के मंदिरों में पूजा प्रारंभ हो जाए? खजुराहो कौन कौन गया? अच्छा, हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। अच्छा ये बताओ, खजुराहो देखकर कैसा लगा? क्या तुम चाहते हो बागेश्वर और खजुराहो एक तीर्थ स्थल हो जाए? क्या तुम चाहते हो दोनों तीर्थ स्थल आपस में जुड़ जाए? कौन कौन चाहता है? अब लो शर्मा जी कहां गए? भैया हमारा पल्ला भारी है, सब लोग चाहते हैं, अब आपकी जिम्मेवारी है। तो बगल में मुख्यमंत्री जी बैठे, आप कर दो सपोर्ट, क्योंकि आप हो यहाँ के सांसद। हम अपने लिए नहीं मांग रहे, हमारे लोग सब कछु है, आप हो सो काचा न। तो मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, ये बेटियाँ हमारी हैं, बागेश्वर धाम के लाखों पागल हमारे हैं, बागेश्वर धाम पर सब कुछ है। खजुराहो में अगर ये हो गया तो हमारा खजुराहो बदलेगा, तो बागेश्वर धाम की सूरत सीरत बदलेगी और एक दिन बागेश्वर धाम दुनिया के लिए इतिहास बनेगा। बोलो हारे हारे। पुनः इस पीठ से हम मुख्यमंत्री जी को साधुवाद करते हैं, और आप महाकाल की नगरी से आए, उनका नाम है महाकालेश्वर, लेकिन आप जहां आए उनका नाम है बागेश्वर, बस दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और आप यहां पर आए, हमें बहुत प्रसन्नता हमारी इन बेटियों के विवाह में, चूंकि आपको पता हो, हम बता दें कि 400 बेटियों के धर्म बाप बन गए हैं, बल्कि अविवाहित पिता हैं हम, लेकिन ये हमारी बेटियां हैं। आपका खूब खूब स्वागत है, जोरदार ताली बजा करके सब लोग स्वागत करो खजुराहो के लिए। अच्छा पत्रकार बंधु भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
तो सब लोग बहुत प्रेम पूर्वक रहो। अब हम बिना विलंब किए उद्घोषक महोदय को माइक देके माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उद्बोधन सुनेंगे, बेटियों के लिए शुभ आशीष सुनेंगे, इसके बाद वरमाला होगी और आपको जाना है बहुत जल्दी, तो आप आशीर्वाद दे करके निकल जाएंगे। आगे पाणी ग्रहण की चर्चा जारी रहेगी और अभी हमारे और भी महापुरुष बचे हैं उनका काल, और आज अपन को खली भैया को जाने नहीं देना है, उनको तो रोकना है, रात को अभी डांस करवाना है बेटियों के विवाह में। अच्छा ये हमारे भैया हैं तो ये भी समधी लगते हैं, दूल्हे के बाप के तुम समधी लगोगे, हम भी समधी लग रहे, छोटे पापा बैठे, छोटे समधी बेटियों के दूल्हे के पिता के। तो जितने भी हमारे जमाई राजा आए हैं अपने अपने पिताजी को बुला लो, समधनों को बुला लो, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। इसी के साथ वाणी को विराम, बोलो बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, पंचम बुंदेलखंड महाकुंभ की, खजुराहो के मतंगेश्वर कंदरिया महादेव की, सन्यासी बाबा की, हारे हारे महादेव। अब मैं आग्रह करता हूँ मोहन यादव जी से कि वे आज के इस महोत्सव में 156 बेटियों के विवाह महोत्सव में अपना आशीर्वाद इन बेटियों को प्रदान करें इस आयोजन पर। खास करके दिन भर से बोल बोल के महाराज जी गला काम नहीं कर रहा है, लेकिन आपको देख के इतना आनंद आ रहा है कि मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। परमात्मा की दया से ये जो मौका आपने दिया है, सच मानो मेरा जीवन धन्य हो गया, ये पूरा धाम जगमगा रहा है आपके आशीर्वाद के कारण से। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करो अपने महाराज जी का। जिनका खुद का ठिकाना नहीं वो सबको ठिकाने पहुंचा रहे हैं भगवान की दया से, ये आनंद कोई मामूली बात नहीं होता है। जिनके जीवन में एकमात्र उद्देश्य कि मैं कई लोगों का घर बसाऊं, ये तो कोई देव पुरुष ही कर सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है। ये हमारी देवमार्गी संस्कृति, सनातन संस्कृति, और होना भी चाहिए। महाराज जी मैं बैठे बैठे सोच रहा था, मंच पर विराजमान बागेश्वर धाम के जयकारा लगाए बिना आनंद नहीं आएगा। बोले बागेश्वर धाम की। मैं महाकाल महाराज के यहाँ से आता हूँ तो एक बार महाकाल महाराज का भी जय जयकार करे, शिवरात्रि का पावन पर्व है। बोले महाकाल महाराज की। परम पूज्य बागेश्वर धाम के महाराज श्री, आपके चरणों में प्रणाम। परम पूज्य इंद्रेश महाराज जी अयोध्या वाले, आपको भी प्रणाम। और सीधे बद्रीनाथ से आए हैं और महाराज जी सारे शहीदों के लिए यज्ञ करा करके उनके जीवन में मोक्ष की कामना करते हैं, ऐसे परम पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम। और खली बजरंग बली क्या जोड़ी जमाई भगवान ने भी आपकी बागेश्वर धाम में, जोरदार अभिनंदन करें हमारे खली भाई का भी। और ये बागेश्वर धाम और आपके सांसद, मैं आपसे कह रहा था कि हमारे भगवानों ने भी कितनी मित्रता का, एक दूसरे के सद्भाव का क्या क्या रास्ता निकाला है। महाकाल के दर्शन करो और विष्णु भगवान को याद नहीं करो तो बात नहीं बनती है। इधर भगवान देखो और दोनों मंत्र बोले बिना दोनों के दर्शन मानते नहीं है। तो शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, बागेश्वर धाम आकर के विष्णुदत्त शर्मा जी को भूल जाओ, ये संभव ही नहीं। हम इनके लिए भी बधाई देना चाहता हूँ, हमारे सांसद बीडी शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए। मेरे साथ हमारे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री माननीय महेंद्र सिंह जी भी पधारे हैं, जोरदार अभिनंदन महेंद्र सिंह जी का। और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव, गोविंद सिंह जी भी जोरदार तालियां बजाओ, मेरी सरकार में साथी मंत्री हैं गोविंद सिंह जी राजपूत। और संस्कृति पर्यटन पर उसके पहले विजय भैया नौ बार के विधायक, जोरदार ताली बजाओ दोनों मंत्रीगणों के लिए, एक नौ बार के एक लेकिन दोनों एक भारी, जोरदार तालियां बजाओ हमारे विजय जी।
और योगी जी के लिए पूरा मंच में से तो जोरदार अभिनंदन। लखन पटेल मंत्री भी महोदय है, ये पशुपालन मंत्री है। हमारे कोई देवी देवता ऐसे नहीं है जो पर्यावरण के लिए, दुनिया के लोग कितने उदाहरण हमारे पास भरे पड़े हैं। हर देवी देवता के साथ हमारे प्रकृति प्रेमी होने के सबूत है। भगवान भोलेनाथ बैठे तो नंदी सामने बैठे, गोपाल कृष्ण तो गाय माता पीछे बैठी है। दुनिया हमसे कहती कि आप पर्यावरण बचाओ, अरे हम तो युगो युगो से बचा रहा, ये तो तुम सीख लो, तुमको मालूम नहीं है। इंग्लैंड अमेरिका वालों तुमको देर लगेगी, काफी समय लगेगा। जो हमारी प्रकृति का चिंतन करते हैं, ये सनातन संस्कृति की हमारी जो आभा है, इसकी चमक हमारे सभी देव समान ऋषि मुनि संत गणों के कारण से है, जो समूचे समाज का विचार करके चलते हैं। समाज पे कदम कदम पर अपने प्रवचन के बावजूद भी कर्मों से सूर्य के समान आभा फैलाते हैं। ये हमारे लिए, ये जो भगवा रंग धारण करते हैं, एक तरह से अपने जीवन में सूर्य के समान, ये अपने अग्नि कलर है, अग्नि रंग समझ लो। तो ये अपनी आभा से, अपने शरीर के माध्यम से, जैसे सूर्य से सब जीवन पाते हैं, ऐसे हमारी सनातन संस्कृति संतों के माध्यम से जीवन पाती है। मैं सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। एक बार पूरे मंच के लिए अभिनंदन करें, जोरदार तालियां बजाएं। और महाराज जी, मुझे लगा कि आपने 157 के पाणी ग्रहण का मौका लिया, लेकिन मैं सरकार का मुखिया होने के नाते से अपना रास्ता भी ढूंढ रहा हूँ। हमारे ऐसे भाई बहन जीवन में अभी और मौका आएगा, कई आवेदन आपके पास आए होंगे, किसी कारण से छूट गए, तो वो भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बोलिए बताइए, आना चाहिए। तो मैं थोड़ी आपकी मदद करूंगा, सरकार आपके भरोसे से बनी है, आपके आशीर्वाद से बनी है, तो आपने जो करना समाज की मदद से वो सब कर दिया, अब सरकार की मदद से भी आप ये पुण्य कार्य जरूर कराइए। अक्षय तृतीया आएगी अगली बार, देव उत्थान एकादशी आएगी, ये बिना मुहूर्त की शादियां हैं। आप निश्चित रूप से सारे लोगों के आवेदन बुलाइए, पूरा पैसा सरकार देगी बागेश्वर धाम में। बोलना तो दिल खोल के सभी बोलो, जय श्री राम। अरे हम जहां खड़े होके बात कर रहे हैं, ये बागेश्वर धाम और हमारे हनुमान जी, और हनुमान जी का तो इतिहास ही है। 17 लाख साल हो गए भगवान राम के साथ हनुमान जी वाले प्रसंग को जोड़ करके, लेकिन 17 साल पहले भी भगवान हनुमान जी ने राम जी और सीता माता को मिलाने का प्रयास प्रारंभ किया था। वो का वो ही आज भी जारी रहे, यही तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। ये घर घर से ढूंढ करके राम सीता लाइए, सबका पाणी ग्रहण कराइए, ये इसी की कामना हम कर रहे हैं। महाराज जी, जीवन में सबसे बड़ा दान अगर कोई है तो कन्यादान है, और कन्यादान में भी जाने अनजाने कोई सामाजिक कष्ट है, कोई परेशानी है, किसी के घर में माता नहीं है, किसी घर में पैसा नहीं है, कोई और कारण है, ये सारे कारणों का निवारण सदैव सदैव से संतों के नेतृत्व में सरकारें ढूंढती आई है। तो मैं अपनी सरकार को पीछे क्यों रखूंगा, निश्चित रूप से आपके पीछे पीछे ये आयोजन के लिए लगातार रहूंगा। महाराज जी, एक बार फिर मैं आपका अभिनंदन करता हूँ दो कारण से। अभी आपने एक अच्छा प्रश्न उठाया खजुराहो के मंदिर का। खजुराहो के मंदिर के मामले में आपने कहा, आपकी जानकारी में होगा, ये खजुराहो के देवालय, ये भारतीय संस्कृति की ध्वजा लहराते हुए 1000 साल पहले के हैं, लेकिन काल का प्रवाह बड़ा खराब था। वो इतना खराब था कि हमारे देवालय भी किसी को दिखे तो ऐसा लगता देवताओं को नजर लग जाती थी।
ऐसा खराब समय आया कि देवताओं के मंदिर तोड़े जा रहे थे, मूर्तियां भंग की जा रही थी, मंदिर ध्वस्त किए जा रहे थे। काल के प्रभाव में समाज ने अलग अलग प्रकार के रास्ते ढूंढे, ये सारे के सारे मंदिर मिट्टी में दबा दिए गए थे। आज से 200 साल के आसपास एक अंग्रेज ने, मेरी जानकारी में आया कि उनने खोज करके मंदिरों का वापस समाज से परिचय कराया, लेकिन बनाए तो हमारे भारतीय सनातन संस्कृति के उस समय के महापुरुषों ने। जोरदार अभिनंदन करो उन महापुरुषों के लिए जिन्होंने ये मंदिर बनाए। और जब मंदिर बनाए और अब समाज के सामने आ रहे हैं, और जब अयोध्या धाम मुस्कुरा रहा है, बाबा महाकाल का महालोक आनंद में डूबा हुआ है, तो पीछे खजुराहो कैसे रह सकता है? खजुराहो और आगे खड़ा दिखाई देगा। महाराज जी आप जैसा कहोगे, हमने गृह मंत्री के माध्यम से हर मंदिर में पूजा का प्रबंध करेंगे, ये आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। लेकिन एक ही शर्त है महाराज जी, ये सनातन संस्कृति पे धर्म के मामले में मैं भी गोपाल हूं, आप भी गोपाल है, जो गाय पाले वो सब गोपाल है, हम सब गोपाल कष्ट को मानने वाले हैं। वो धर्म अधर्म की बात चलती है तो सब गोपाल कष्ट के पीछे खड़े होते हैं जो धर्म मार्ग पे चलना जानते हैं। और हम तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, तो अयोध्या से लेके अरब तक धर्म ध्वजा लहरा रहे हैं। कहां अरब है, कहां अयोध्या है, हम भी नहीं भूल रहे, दुनिया भी नहीं भूल रही नरेंद्र मोदी जी को। इसलिए आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, निश्चित रूप से हमको एक काम करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने एक काम किया, अपनी उंगली पे सुदर्शन चक्र धारण किया, तो धर्म के मार्ग पे चलने से दुनिया कितने दुश्मन उनके भी पीछे पड़े, लेकिन भगवान ने सबको परास्त किया। आपसे भी निवेदन है महाराज जी, और ये हमारे अपने सारे मेरे जैसे भक्तों से भी निवेदन है, अपनी उंगली का आप भी ध्यान रखो, आपके हाथ में भी सुदर्शन चक्र है। लोकतंत्र में सुदर्शन चक्र का सही उपयोग करना ये भी जरूरी है, आप याद रखना। ये सुदर्शन चक्र आपको नरेंद्र मोदी जी के पीछे चलते हुए बढ़ना पड़ेगा। सुदर्शन चक्र के माध्यम से कमल के फूल तक भी पहुंचना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत किसी देवस्थान का विकास नहीं रोकेगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। जोरदार अभिनंदन करो महाराज जी का, एक बार फिर वंदन करो। हम और आप मिलकर के केवल अपने और सारे विषय कभी और करेंगे। महाराज जी मोदी जी के बारे में जो बात मैं कह रहा हूं उसका कारण भी आप मेरे से अच्छा बताते हो, मेरे से अच्छे आप इस बात को रखते हो, लेकिन हम सब समझ सकते हैं, अभी समय कम है, लेकिन हमारे मन के भाव आप समझ सकते हो। कई सारे विषयों को लेकर के भारत दुनिया में सबके सामने आदर्श स्थिति बना रहा है। एक तरफ युद्ध में लगे हुए लोग, एक तरफ मारकाट में लगे हुए लोग, एक तरफ लूटने वाले लोग, और एक तरफ वसुदेव कुटुंबकम के आधार पर, जियो और जीने दो के आधार पर दुनिया में शांति का पैगाम लेकर के सनातन संस्कृति की तरफ बढ़ने वाला देश और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का नेता अपनी राह आगे बना रहा है, और दुनिया के बड़े बड़े देश उसके पीछे हैं। उसकी ताकत ये आपकी संत सनातन शक्ति की ताकत है, जो आपने मार्ग बताए अनुसार उनसे काम करवाना जानती है। ये स्वामी विवेकानंद की उस भविष्यवाणी को सिद्ध करने का समय है। 21वीं शताब्दी दुनिया में भारत को सर्वोच्च स्थान पे पहुंचाने की शताब्दी है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से एक बार फिर हमारे देश का नेतृत्व करेंगे, और ये सभी अच्छे कामों की जो मालिका बनाई है वो मालिका बढ़ती जाएगी,
आज के इस अवसर पर सभी